खैबर के इलाके जमरूद में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल है। मुला गौरियर पाक अफगान शहरा पर नालों में तुगियानी के बायस रास्ते बंद हैं। दर्जनों मवेशी सैलाबी पानी में बह गए हैं। तफसीला जानते हैं जहांजेब खान से। जहांजेब अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जिले खैबर के तीनों तहसीलों में गुज़िश्ता तीन दिनों से बादलों ने बारिश से गुज़िश्ता रात से बारिश का जो है वो आगाज हो चुका है। वो तेज मूसलाधार बारिश और झालाबारी की वजह से एक तरफ मौसम खुशगवार हो गया तो दूसरी जानब जो नदी नाले है उसमें तोगयानी आने से सैकड़ों मवेशी जो है वो बहकर वो साथ ले गई, जिसकी वजह से मकानी जमींदारों और लोगों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। साथ साथ में कच्चे मकान की कई जगहों से कितने गिरने की भी इतलात मौसूल हो रही है। जी बहुत शुक्रिया। जहाँ से बाजौर के इलाके खड़ियान में मूसलाधार बारिश से मकान की छत गिर गई है। तीन अफराद मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू अहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बाजौर के इलाके खड़ियान में मूसलाधार बारिश से मकान की छत गिर गई। तीन अफराद मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू अहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। सांगला के इलाके बांदा चीना में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से दो बच्चे जामहक और दो जख्मी हो गए हैं। सांगला के इलाके बांदा चीना में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से दो बच्चे जामहक और दो जख्मी हो गए हैं। सांगला के इलाके बांदा चीना में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से दो बच्चे जामहक और दो के जख्मी होने की इत्तला सामने आ रही है। सांगला के इलाके में बारिशों की वजह से मकान की छत गिरने से दो बच्चे जामहक हो गए हैं।